नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया टॉप 10 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 10 खबरों का सिलसिला। संविधान के 75 साल पूरे, राष्ट्रपति ने संस्कृत और मैथिली भाषा में संविधान का विमोचन किया। कांग्रेस का संविधान से कोई लेना देना नहीं, उसने आपातकाल लगाया था। ललन सिंह का बड़ा बयान आया सामने। यूपी में ग्रेटर नोएडा की सोफा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, जिसमें 3 लोगों की झुलसकर हुई मौत। चंडीगढ़ ब्लास्ट में नाइट क्लब के पास धमाकों के पीछे एक्सटॉर्शन हो सकती है बड़ी वजह, जांच में जुटी पुलिस। फैमिली इमरजेंसी के कारण ऑस्ट्रेलिया से लौट रहे कोच गौतम गंभीर। अमेरिका को चीन की चेतावनी, ट्रेड वॉर में नहीं होगी किसी की जीत। यूपी में हिंसा प्रभावित संभल में खुल गए स्कूल और कॉलेज। राजौर विधायकों के साथ तेजस्वी विधानसभा परिसर में कर रहे प्रदर्शन, सरकार पेश करेगी 2 बिल। एसआर समूह के सह संस्थापक शशि रुइया का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। लाखों में सिमटी भूल भुलैया, 3 की कमाई, मंडे टेस्ट में बुरी तरह फेल। आई वॉन्ट टू टॉक। फिलहाल टॉप 10 में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।